जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलो जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी। 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जसोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय ब्रज जन रंजन जय जसोदा जीवन। जय जसोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय ब्रज जन रंजन जय चामुन तिरहन चारी। जय कुंज बिहारी जय चामुन तिरहन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण निताई गौरंग जय निताई गौरंग। निताई गौरंग जय निताई गौरंग। जय सच्चिदानंदन जय गौर हरि। जय सच्चिदानंदन जय गौर हरि। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि।
ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुरागिक सिंधु वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपायिका सिंधु लावण्य सिंधुरमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे रसकेल सिंधु। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदर श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री हरिदास ठाकुर जी उच्च स्वर से हरिनाम करते थे, कुछ ब्राह्मणों ने पूछा आप इतने जोर जोर से नाम क्यों कर रहे हो। हमने सुना भजन मन मन में करनी चाहिए। तब हरिदास ठाकुर ने क्या उत्तर दिया था, बोले पशु पक्षी कीट बली ते नापारी सुनी लई हरि नाम तारा सब तारी। बोले जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इनको जीवा रहते हुए भी ये हरि नाम नहीं कर सकते, इसलिए जब कोई व्यक्ति उच्च स्वर से हरि नाम करते हैं उसको सुनने पर उनका भी कल्याण होता है। इसलिए जो लोग मन मन में हरि नाम करते हैं उनको जो फल मिलता है, जो उच्च स्वर से हरि नाम करते हैं कितना गुण ज़्यादा फल मिलता है, कहते तो उनको 100 गुण ज़्यादा फल मिलता है, 100 गुण ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए बोले जी हाँ पाया यो नर विना सर्व प्राणी नापो लिते पारे कृष्ण नाम है न ध्वनि। बोले जीवा पा करके भी इंसान के बगैर जो दूसरे दूसरे प्राणी वो भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन वे भी जब भगवत नाम श्रवण करते हैं उनका भी कल्याण होता है। जब उन्होंने ये सब बात बताई, एक व्यक्ति कमा करके खुद खाता है और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में बड़े कौन है जो पूरा परिवार को खिलाता है। कहते उसी तरह जो मन मन में हरि नाम करता है उनको जो फल मिलेगा, जो उच्च स्वर से हरि नाम करता है दूसरों को भी कल्याण होता है। जब उन्होंने ये सब बात बताई, इतने में
भविष्य पुराण में शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन जब कलयुग आएगा ना, कहते जो शूद्र लोग है ये शास्त्र व्याख्या करेंगे। कौन शास्त्र व्याख्या करेंगे? कहते शूद्र लोग भी शास्त्र व्याख्या करेंगे। जो ब्राह्मण लोग बोलते क्या शास्त्र पहले जो बताया सही बताया था, क्या बताया था? कलयुग में ये जो आएगा ये ब्राह्मण लोग नहीं शूद्र लोग क्या करेंगे, ये सब के सब शास्त्र को ये शूद्र लोग व्याख्या करते रहेंगे। देखो कलयुग का प्रारंभ देखो कहाँ, जवन कुल में जन्म लिया, अरे हम ब्राह्मण हैं और इतने इतने बड़े बड़े जाति हैं, त्रिवेदी चतुर्वेदी हैं, सटाचार्य भट्टाचार्य हम सबके सब, देखो ये हमें कहा मुसलमान होकर हमें उपदेश देता है, हैं उच्चेश्वर हरि नाम करने से सब गुण फल मिलता है। अभी देखो साक्षात कलयुग आ गया पूरा के पूरा। हाँ देखो ये चीज को समझो अच्छे तरह से, इसलिए शास्त्र कभी गलत नहीं बोलता है, हैं शास्त्र कभी गलत नहीं बोलता है। इसलिए कलयुग में कौन आए, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए, हैं इसलिए बोले एमन गौरांग बिना नहीं यार, बोले है ना अवतार अबे की होए छे हे न प्रेम परचार, ए मान गौर बिना नहीं आर, ए मान गौर बिना नहीं आर, दुर्मति अति पतित पाषंडी प्राणी न मारी वे करे, हरि नाम दिया हृदय सोधिल जाचिया घरे घरे, हे मान गौर बिना नहीं आर। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं भैया महाप्रभु जैसे इतने दयालु इतने कृपालु आप लोगों ने कभी देखा है, हैं? कहते वो क्या करेंगे, बोले हरि नाम दिया हृदय सोधिवे चाची किया घरे घरे, घर घर में जा जा करके झोली फैला फैला करके क्या बोलेंगे, बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, ये महापुरुष सबको कृष्ण भक्ति की शिक्षा देंगे। और क्या करेंगे, बोले ब्रह्मा बिरी चिर बांछित जय प्रेम जगत फैली लढ़ाली, ब्रह्मा शंकर नारद जिस प्रेम के लिए तरसते हैं महाप्रभु आसानी से कलयुग में वो प्रेम देंगे। बोले किसको किसको देंगे, बोले चंडाले ब्राह्मणी करे कोला कोली कभे बाजी लाए रंगा, चंडाले ब्राह्मणी करे कोला कोली कभे बाजी लाए रंगा। इसको पहले क्या था, बोले ब्राह्मण ही भगवान की कथा पूजा सेवा केवल ब्राह्मण कर सकते और कोई नहीं कर सकते, हैं? पहले ये नियम था ब्राह्मण को सामने घड़ी पहन कर जूता पहन करके भी जाने का किसका हिम्मत नहीं था, तो ब्राह्मण ही सब कब काम करते थे और कोई दूसरे जाति को कोई अधिकार नहीं देते। लेकिन जब महाप्रभु आए बोले चंडाले ब्राह्मण करे कोला कली, लेकिन कलयुग में चंडाल और ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, दोनों को आलिंगन करते हुए निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। इसलिए सबको महाप्रभु प्रेम देंगे, ये प्रेमानंद ठाकुर जी कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर शास्त्र में यहाँ पर ये बताए, बोले जस्य जत लक्षणम प्रोक्तम, श्लोक इसको याद है, जस्य जत लक्षणम प्रोक्तम पुंसांग वर्णाभिव्यंजकम जद अन्यत्र दृश्यते तो नैव विनिर्दिश्यते, श्लोक को याद कर लेना। इसलिए ये भागवत में बताए बोले जस्य जत लक्षणम प्रोक्तम पुंसांग वर्णाभिव्यंजकम जद अन्यत्र दृश्यते तो नैव विनिर्दिश्यते, अर्थ हो जी इसका मतलब ये होता है जिसको अंदर में जो लक्षण दिखता है, जिसको अंदर में जो लक्षण दिखता है, हैं? इसलिए अगर जैसे ब्राह्मण का गुण, ब्राह्मण का गुण क्या है, उनका छह गुण बताया ना, जजन जाजन अध्यापन अध्यापन दान प्रतिग्रह। अब ब्राह्मण का क्या गुण है, हैं? सम दम तप शौच। अब ब्राह्मण का धर्म क्या, जनेऊ धारण करना, तिलक लगाना, गले में कंठी चोटी धारण करना, भगवान की भक्ति करना, हैं? कहते ये जो गुण है, कहते अगर ये गुण अगर किसी शूद्र के अंदर में
अगर ये गुण दिखाई पड़ता है वो शूद्र को ब्राह्मण बननी चाहिए, लेकिन अगर ये ब्राह्मणों के अंदर में अगर अब जो कलयुग का ब्राह्मण सब जानते हैं गायत्री जप नहीं करते, जने हुए ही नहीं, तिलक कंठी का कोई नाम है नहीं, चोटी है ही नहीं, है ब्राह्मण का कोई धर्म, बीड़ी फूंकते हैं, गुटखा खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, ये थोड़ी ब्राह्मण है। इसलिए शास्त्र ने बताया राक्षसा कलिमाश्रित, उसके बाद में जायंती ब्रह्म जनिषु उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बाधंत क्षत्रिय त्रिशान बताए। कल कलयुग में जितने राक्षस लोग कलयुग में सब ब्राह्मण होकर जाए, ये बात कौन कब बताया था? जिस समय श्री विभीषण प्रभु राम की शरण में आए, प्रभु मेरे को अपना शरण में दे दो, अपना शरण में ले लो, हैं शरण में ले लो, इतने में भगवान राम सबको पूछा बताओ इसको शरण में देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, बोले प्रभु ये कल सवेरे युद्ध होने वाले, फिर आपका जो मेन शत्रु रावण का छोटे भैया और फिर राक्षस, इनको समझना बड़ा कठिन है, पता नहीं कौन सा मतलब लेकर के आए हुए, खबरदार इनको अपना शरण में मत लो। उस समय विभीषण कहता है अगर मैं झूठ बोलता हूँ कलयुग में मैं ब्राह्मण होकर जन्म लूंगा, कलयुग में मैं ब्राह्मण लेकर जन्म लूंगा। इतने में लक्ष्मण बोले वाह बढ़िया है, दूसरे का सर पर कटहल तोड़कर खाओगे? क्योंकि ब्राह्मण तीनों जाति क्या करते हैं, ब्राह्मण को पूजा करते हैं तीनों जाति, बोले ब्राह्मण बनना मतलब क्या, तीनों जाति उनको पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, दान दक्षिणा देकर खूब चकाचक रहोगे, दूसरे के सर पर कटहल तोड़कर खाओगे ब्राह्मण। उस समय भगवान राम कह रहे मिले नहीं लक्ष्मण, बोले राक्षसा कली मास चाहे थे ब्रह्म जो निश कलयुग में राक्षस लोग सबके सब कलयुग में ब्राह्मण बनकर खाएंगे, लेकिन सब लोग नहीं, कहते सब लोग नहीं, सबके लिए नहीं है, कहते ये सब लोग नहीं, कहते कौन लोग है जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की भजन जो नहीं करने वाले। इसलिए चैतन्य भागवत में बताए ब्राह्मण हैया यदि अवैष्णव है तार आलाप पुण्य जाय खाए, अगर ब्राह्मण होकर के अगर कोई अवैष्णव बनता है, ब्राह्मण होकर कोई अगर वैष्णव नहीं होता है, क्या होता है उसका आलाप है, उसके साथ बात करने पर तुम्हारी सारी पुण्य खत्म हो जाएगी, पुण्य खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते जस्य जत लक्षणम प्रक्तम पुंसांग वर्णाभिव्यंजकम जत अन्यत्र दिशते तुनिव विनिर्दिशते, शास्त्र में जो ब्राह्मण का जो लक्षण बताया गया है, इसलिए महाभारत में बताया, महाभारत में बताया शूद्रे च भवेत एतद् लक्षणम् द्विजे तच्च न विद्यते नैव शूद्र भवेत शूद्र ब्राह्मण ब्राह्मण न च, है इसलिए शूद्र का अगर गुण किसी ब्राह्मण का अंदर में अगर दिखाई पड़ता है, है अगर ब्राह्मण का गुण अगर किसी शूद्र में अगर दिखाई पड़ता है, कहते शूद्र को ब्राह्मण बननी चाहिए, है वो ब्राह्मण को शूद्र बोलनी चाहिए। इसलिए पहले शास्त्र में ही बता दिया है कलयुग में शूद्र लोग शास्त्र व्याख्या करेंगे, कहते बात गलत नहीं बात सही है। इसलिए शास्त्र का उदाहरण देते हैं जैसे भगवद गीता में बोले चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, भगवान जो चार वर्ण उन्होंने सृष्टि किया है, हैं चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो चार वर्ण है कहते कैसे, बोले गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म से किया, जन्म से नहीं, गुण और कर्म से किया, जन्म से नहीं किया है, हैं इसलिए पहले, इसलिए हमारे उपनिषद में कथा आती है जवाल सत्यकाम, जवाल सत्यकाम जो गुरु गृह में पढ़ने के लिए आए, गुरु जी ने पूछा क्योंकि वहां पर केवल ब्राह्मण लोग ही वेद पढ़ते थे, बोले बेटा तुम कौन सा जाति में जन्म ग्रहण किए हो, मैया को पूछ कर जाना। अब जावाला सत्य का माया अपना मैया से पूछा, मैया गुरु जी कहते हैं तुमने कौन सा वंश में जन्म लिया, कौन सा जाति में, मेरा क्या जात है? मैया ने बोले बेटा जब तुम मेरे पेट में आया ना, मैंने बहुत पुरुषों को मैंने सेवा की, ऋषि मुनियों को सेवा किया पुरुषों को, अभी किसके गर्भ से किसकी औरत से तुम जन्म लिए हो ये मेरे को ही पता है, मेरे को पता ही नहीं, मतलब ये कितना गंदी बात है, हैं कितना गंदी बात। लेकिन उसने मैया से जो चीज सुना है ना वो सीधा आकर गुरु जी से
छुपाया नहीं। अरे मैं कैसे बताऊं, उसको जारज संतान कहते ना, जिसके आप कहते तेरे पिताजी का ठीक नहीं, तेरे पिताजी के कोई ठीक नहीं, पिताजी का किस पिताजी से तूने जन्म लिए हो, मतलब कितने गंदी चीज है। लेकिन उसने आया और गुरु जी को सीधा सीधा बोल दिया, मेरे भैया ने ऐसे ऐसे बोले, गुरु जी खुश हो गए, बोले तू ब्राह्मण हो, क्योंकि अगर ब्राह्मण नहीं होगा ना, ये बात कभी कोई सच बोल ही नहीं सकता है कि तुम ब्राह्मण, तेरे अंदर में ब्राह्मण गुण है तभी तुम सत्य बात बताए है। इसलिए सम्मो दमस स्तप चौस, उसमें सत्य ब्राह्मण का एक गुण है सत्य ब्राह्मण, बोले तुम आ जाना वेद पढ़ना। तो और विशेष करके कहते पहले पहले जो कुल का जो निर्णय होता था ना, वो सबके सब गुण से, सबके सब गुण से, गुरु जी जिसके अंदर में जैसे गुण देखते थे, वो गुण का अनुरूप कहते थे, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो। देखो जितने जैसे वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, ये वशिष्ठ जी का जन्म कहाँ से हुआ है, वशिष्ठ जी का कहते ये ब्राह्मण कुल में ये जन्म नहीं हुए। ऋषि सिंह मुनि ने कहाँ से जन्म हुए, ऋषि सिंह ने हिरण से है। अगस्त ऋषि कहाँ से, बोले कुंभज ऋषि, कुंभज कलश से जन्म हुए। विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे लेकिन कर्म से बाद में क्षत्रिय से फिर ब्राह्मण हुए। इसलिए जितने पहले पहले ऋषियों का जितने सब नाम लोगे ना, हमारे व्यास देव किसकी किसकी गर्भ से और जन्म हुए, केवट, केवट की बेटी सत्यवती गर्भ से हुए। इसलिए जितने ब्राह्मण का नाम लोगे पहले, एक भी कोई ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुए, लेकिन ये सब के सब कर्म से हुए, ये जन्म से नहीं, सब के सब ये कर्म से हुए हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद इस बात टीका को, टीका में प्रभुपाद कह रहे हैं, कहते जो शास्त्र में बताया कलयुग में जो शूद्र लोग शास्त्र व्याख्या करेंगे, शास्त्र अगर कोई व्याख्या करता है, अगर कोई शूद्र घर में जन्म हुआ लेकिन तिलक कंठी माला भगवान का नाम भजन करता है, उसको क्या समझनी चाहिए, ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण नहीं होगा ना, उसको भगवान नाम रुचि नहीं होगा, वो माला नहीं कर सकता है, तिलक लगा ही नहीं सकता है, कंठे में गले में कंठी धारण नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति जिसका अंदर में पूजा पाठ स्वभाव होगा, वही व्यक्ति तो ये काम करेगा ना, साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, है? इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, विप्रात द्विषण गुण जुत अरबिंद नाम पदार बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठ। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, कहते ब्राह्मण के अंदर में 12 गुण होता है, हैं 12 गुण होने पर उसको ब्राह्मण कहता है। अभी तो 12 गुण में एक गुण भी देखना कठिन है, कलयुग में 12 गुण में एक गुण भी देखना कठिन है ब्राह्मण के अंदर में। लेकिन वो कह रहे हैं किसको, अंदर में भले ही 12 गुण विद्यमान है, 12 के 12 गुण है, लेकिन ये भगवान की भक्ति से वो व्यक्ति विमुख है, वो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, है? भक्ति नहीं कर रहे हैं। कहते भैया दूसरों को क्या कल्याण करेगा, अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, दूसरों को क्या उधार करेगा, अपना उधार नहीं हो सकता है, है? लेकिन अगर कोई चंडाल हो वो भगवान की भक्ति करता है, कहते खुद तो उधार होगा ही और उसको साथ में उसकी 21 बड़ी को उसने उधार कर लेगा, है? उधार कर लेगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद ने इस विचार को प्रभुपाद दे रहे हैं, कहते शास्त्र में जो लिखा हुआ वो कभी झूठ नहीं होगा, शास्त्र में जो लिखा हुआ सही बात शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए जब इस बात हरिदास ठाकुर और ब्राह्मण के अंदर में जो तर्क वितर्क हुआ है ना, जब हरिदास ठाकुर ने इस बात को बताए, अब इसको सुन करके जो वहाँ ब्राह्मण लोग थे, बोले देख तू इतने बड़ी बड़ी बात करते हो, तू इतने बड़ी बड़ी बात करते हो, अगर सच नहीं हो ना तेरे नाक कान गल जाएगा, तेरे नाक कान हम काट देंगे, नाक कान पर गल जाएगा। ऐसे उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को उन्होंने ऐसे गाली दिया है, जब गाली दिया, लेकिन हरिदास ठाकुर जी परम वैष्णव है, त्रिनाद विष्णु से न तरुर भी सहिष्णु न, इसे मंत्र दीक्षित है। लेकिन हरिदास ठाकुर सुन करके भी हरिदास ठाकुर कुछ नहीं बोले, वहां से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम करते करते हरिदास ठाकुर वहां से
चल गए। जब चले गए कहाँ पर आए, बोले श्री नवद्वीप में श्री अद्वैत आचार्य जी के पास में आए। जब अद्वैत आचार्य जी के पास में आए, अद्वैत आचार्य बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए, वाह वैष्णव दर्शन हुआ है, वैष्णव का दर्शन हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के हैं उनको साथ में हरि चर्चा हरि कथा करते थे। अभी यहाँ पर अभी सप्तदश अध्याय आ रहा है, इसी अध्याय में श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले आदि खंड कथा भाई सुन सावधाने, श्री गौर सुंदर गया चलीला जेमने। यहाँ पर कह रहे हैं ये आदि खंड का जो कथा है, अभी जो अध्याय में बोल रहा हूँ, सावधान से सुना साधु सावधान। बोले क्यों, बोले श्री गौर सुंदर गया चलीला जेमने, इसी अध्याय में श्री मन चैतन्य महाप्रभु गया यात्रा कर रहे हैं, हैं? गया यात्रा कर रही है, कथा को सावधान से श्रवण करो। बोले सावधान से क्यों सुने, कद इसको कद सावधान से सुने क्यों, बोले भैया गया कौन जाते हैं, गया कौन जाते हैं, कद जो जिनका पिता माता शरीर छोड़ देते हैं, हैं छोड़ देते हैं, क्या जाते हैं लोग, गया जा करके पितृपुरुष को उद्देश्य में पिंड प्रदान करते हैं, पिंड प्रदान करते। लेकिन महाप्रभु जा रहे हैं गया यात्रा करने के लिए, इसलिए कहते हैं बोले सर्व देश ग्राम करी पुण्य तीर्थमय, श्री चरण हैल गया देखी ते विजय। कहते भगवान जहाँ जाते हैं, कहते भगवान का भक्त लोग जहाँ जाते हैं उनकी चरण धूल, जैसे पांडव लोग जहाँ गए, जहाँ पर उनकी चरण पड़ गया केवल वो स्थान को पवित्र कर दिया। वैष्णव चरण धूल में इतना ताकत है, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, ठाकुर वैष्णव पद आवनी रसो संपद, सुन भाई हैया एक माना, सुन भाई हैया एक माना, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सो संपद, सुन भाई हैया एक माना। इसलिए कह ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, बोले पृथ्वी का सुसंपद क्या है, बोले ठाकुर का वैष्णव का चरण है वैष्णव। इसलिए जब एक वैष्णव जन्म ग्रहण करता है, बोले तहार प्रभाव कुटी जो जन निस्तारी, करोड़ों जो जन तक पवित्र हो जाता है। एक प्रभुपाद आए है, एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती को एक व्यक्ति आए, देखो उन्होंने क्या किया उन्होंने दुनिया को, सारा दुनिया में एकदम तहलका मचा करके कृष्ण भक्ति रस की एकदम बाढ़ लेकर के आ गए और संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का वाणी को प्रचार कर दिया। इसलिए बोले ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे धर जने, महाप्रभु का जो भक्त है ना, कहते एक एक व्यक्ति है, कहते एक एक ब्रह्मांड को एक एक भक्त लोग एक एक ब्रह्मांड को तार सकते हैं, इतने प्रभाव महाप्रभु का भक्त में। कहते जिनकी भक्त में इतना शक्ति है, क्या फिर भगवान क्या नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते सर्व देश ग्राम करी पुण्य तीर्थमय, महाप्रभु जिस जिधर गए, जहां पर महाप्रभु का चरण पड़ा है। और वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णवी कौन है, श्री राधा रानी, राधा रानी। महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण मिलित तनु, और जहाँ राधा रानी की चरण जाएगी, बोले अनाराध्य राधा बदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदा बनम तत अटबीम असंभास तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रस श्यावगम। जब तक श्री किशोरी जी की राधा रानी के चरण धूल को कोई आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं भैया, तब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे। और महाप्रभु राधा भाव में विवाहित है, सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की जो प्यारी है राधा रानी, वो जिधर जाएगी, जहाँ उनकी चरण पड़ेगी, वो स्थान को पवित्र कर ही देंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं श्री चरण लैया गया देखिते विजय, बोले महाप्रभु अपना चरण लेकर के कहाँ गए महाप्रभु, कहते उन्होंने गया महाप्रभु गए, किस लिए महाप्रभु गए,
महाप्रभु इसलिए गए, बोले इसलिए गए अपना पिताजी की पिंड दान प्रदान करने के लिए, उनका श्रद्धा तर्पण करने के लिए। कहते भैया कद जिस घर में एक वैष्णव जन्म ग्रहण करता है उसका 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है, बोले त्रिकोटि कुल रहा है श्री वैकुंठवास, तीन करोड़ कुल वैकुंठवास हो जाता है। हाँ, जहाँ पर शुद्ध भक्त जन्म ग्रहण करे, और भक्त वाले में तो गिनाया 108 108, उनका फूफा का, पिताजी की, माता जी की, भाई की वंश में, कौन सा वंश में कितने कितने लोग पवित्र होते हैं एक वैष्णव जन्म ग्रहण करने पर है। एक वैष्णव जन्म ग्रहण करने पर इतने महिमा, और जो जो स्वयं है कहते महाप्रभु के जो निज परिकर है श्री नंद बाबा है, कहते दशरथ महाराज, सबके सब मिल करके सबके सब श्री कौन हुए, श्री जगन्नाथ मिश्र। कहते भैया उनने शरीर छोड़ने पर क्या उनके लिए पिंड देने का जरूरत है, पिता माता का पिंड देने का जरूरत है उनके? साक्षात भगवान है, भगवान भगवान जिसकी बेटे बन करके आई, जिनकी बात्सल्य रस में वशीभूत होकर भगवान स्वयं ठाकुर जी आए, और जिसने भगवान को जन्म दिया, गोद में खिलाया पिलाया, लाड़ लड़ाया, जिनको शासन किया, डांट डपटे हैं। इसलिए ऐसे जो बात्सल्य रस का जो मूर्तिमान स्वरूप कौन है, श्री जगन्नाथ मिश्र और सची माँ है जगन्नाथ मिश्र। कहते भैया उनके लिए पिंड की जरूरत, पिंड देने का कोई जरूरत है? कहते तब फिर महाप्रभु फिर क्यों गए, कारण क्या गए? यहाँ पर श्री प्रभुपाद दो तीन कारण बताते हैं, ध्यान देख सुनो, कल फिर मैं पूछूंगा। इसलिए उसका क्या रहस्य है, भगवान पिंड देने के लिए क्यों, पितृ उद्देश्य में क्यों गए? पहला कारण बताए, वहां पर गयासुर था है? गयासुर ठाकुर जी, उनकी और कोई लंबी कथा है, है? इसलिए बड़े भयानक राक्षस था, इतने उन्होंने कठोर तपस्या की, इतने तपस्या की सारा दुनिया में उसने टहलका मचा दिया था गयासुर ने। इतने में भगवान वहां पर प्रकट हुए, जब भगवान प्रकट हुए उन्होंने उल्टा ही भगवान को बोले तुम वर मांगो, ठाकुर जी वर मांगो, मेरे से क्या लेना चाहते हो? तब भगवान ने कहा तुम सो जाओ और तुम्हारी सर के ऊपर मैं प्यार रखता हूँ, और तुम यही से ही सोते रह जाओ, ऐसे ही सोते रह जाओ। और भगवान उसकी सर पर वक्ष स्थल पर ठाकुर जी वहां पर चरण ठाकुर जी रखे थे, और भगवान का वरदान है अगर यहाँ पर कोई आए अपना पितृ पुरुष को उद्देश्य से यहाँ पर कोई पिंड प्रदान करे तो उसको क्या होगा, उनको सारे पाप से उसकी उद्धार हो जाएगा, पाप से उनको मुक्ति मिल जाएगा, ये भगवान का वरदान है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति है गया में पिंड देने के लिए पितृ पुरुष उद्देश्य में जाते हैं, और जिनको घर में कोई ग्रह पीड़ा आदि है और उनको पितृदोष है, पितृदोष एक होता है, पितृदोष मतलब है कभी कभी घर में देखना सब कुछ घर में ठीक ठाक है, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ घर में ठीक ठाक है, लेकिन घर में कभी शांति सुख नहीं होता, घर में शांति नहीं, बोले इसका क्या कारण है? बोले कभी कभी उसका पितृदोष होता है, पितृदोष मतलब है जो तुम्हारी पूर्वज लोग चले गए हैं, जो चले गए पूर्वज लोग, अभी वो जहाँ है अभी वो संतुष्ट है ही नहीं, वो अभी दुख पा रहे हैं, अभी वो खुश नहीं, वो अभी दुख पा रहे हैं। इसलिए वो दुख पाने पर फिर वो परिवार के जो लोग अभिशाप देते हैं, कहते ये लोग हमें उधार नहीं करते, हम पिंड नहीं देते उधार नहीं करते, हम यहाँ पर मर रहे हैं सड़ रहे दुखी। जब वो दुखी होते हैं उनका दुख से परिवार में भी दुख दुख रहता है, परिवार में शांति सुख नहीं रहता है, है? इसलिए कहते अगर कोई गया जा करके पितृ पुरुष को समय कोई पिंड दे तो उसको पाप से मुक्त हो जाती है, लेकिन ये नियम है। इसलिए कर्मकांड लोग क्या करते हैं, जाकर पिंड देते हैं, लेकिन यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों गए, यहाँ पर दो कारण बताए। पहले पहला कारण बताए क्या हो गया, बीच में जो गया है ना ये बौद्ध लोगों का अत्याचार होने लग गया, बौद्धवादी लोग वहां पर आकर के जगह को दखल कर लिया। कहते बौद्ध का फिलोसफी क्या है, है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत भस्म भूत देह कुत पुनरा गमन भवत, इनका ये फिलोसफी है, वो पूरा शून्यवाद मानते हैं, ये बौद्ध मत है ना, ये नास्तिक दर्शन। हाँ, वहां पर ये प्रभुपाद ऐसे लिखा कुछ है, यहाँ पर प्रभुपाद सब चीज को लिखे है, कहते वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर बौद्ध मत में हो सकता है वहां पर नास्तिकवाद होगा,
इसलिए प्रभुपाद का लिखा हुआ है यहाँ पर है। कहते वहां पर एकदम पूरा है सब कुछ ऋण करके भी घी ऋण करके भी घी पी लो, मरने के बाद शरीर जब जल करके राख बन जाएगा फिर कौन देखने के लिए आएगा, तुम देखने के लिए कोई आएगा नहीं है। फिर मरने के बाद भस्म जब शरीर जल करके राख हो गया फिर तुम्हारी ऋण कौन चुकाने के लिए आएगा। मतलब ये संपूर्ण ये नास्तिक बात, और वहां पर बौद्ध बात भी छा गया था शून्य बात, सब कुछ शून्य से आया और सबके सब शून्य से मिल जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने दिखाई तो अत्यंत नास्तिक बात है, इससे तो जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता, मंगल हो ही नहीं सकता है, है? मंगल हो ही नहीं सकता है। इसलिए महाप्रभु वहां पर गए और जा करके उन्होंने क्या किया, अपने पितृ उद्देश्य में उन्होंने पिंड प्रदान किया। पितृ उद्देश्य में पिंड प्रदान मतलब क्या किया, मतलब पिताजी शरीर छोड़ने का बाद में भी उनको कोई एक आत्मा है जो आत्मा को शांति मिले भाव उनका सारे पाप नष्ट हो जाए है। इसलिए जो कर्म कांडी जो लोग करते हैं महाप्रभु पूरा के पूरा उसको नेग्लेक्ट नहीं किया है, जिस कर्म कांडियों को उनने महाप्रभु ने पूरा के पूरा उन्होंने नेग्लेक्ट महाप्रभु ने नहीं किया। क्योंकि जो भक्ति है हम एक साथ में छलांग नहीं लगा सकते, जीव धीरे 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 भक्ति जगत में धीरे धीरे ही जीव उन्नत हो सकता है। इसलिए महाप्रभु ये चीज को स्थापन करने के लिए महाप्रभु ने गया गए और गया जाकर के उन्होंने अपना पितृ पुरुष को उद्देश्य में उन्होंने पिंड प्रदान किया है, उन्होंने पिंड प्रदान किया है। महाप्रभु पिंड प्रदान करने के बाद महाप्रभु जो आगे गए फिर हठात महाप्रभु को क्या हुआ, महाप्रभु को बुखार आया। जब महाप्रभु को बुखार आया है, बुखार आने पर अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, महाप्रभु को बुखार आ गया लेकिन बुखार सही नहीं हो रहा है। तब पूछे प्रभु आपको बुखार कैसे सही होगा, आपको बुखार कैसे सही होगा। महाप्रभु बोले मेरे बुखार सही हो सकता है सर्व दुख खंडे विप्र पाद दबानी, अगर मेरे को कोई ब्राह्मण का चरण धोकर उनकी चरणामृत अगर मेरे कोई दे फिर तो मेरी ये बुखार सही हो सकता है, है? जैसे महाप्रभु ने क्या किया, सुदामा जी का जैसे चरण धोए चरणामृत पिया सुदामा जी की महाप्रभु ने कृष्ण ने, और श्री और कहाँ पर विप्रपाद भगवान ने और कहाँ पर, और कहाँ पर लीला की, हाँ और कहाँ पर किया, बोल गया हरे कृष्ण नहीं हरे कृष्ण कहाँ पर कहाँ। इसलिए महाप्रभु बोले हाँ मेरे मेरे ये बुखार उतर सकता है अगर मेरे को कोई ब्राह्मण का कोई चरण धो करके चरणामृत को दो, चरणामृत पीने पर मेरे बुखार सही हो सकता है, है? इसलिए सही हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किए फिर उन्होंने जाकर किसी ब्राह्मण की चरण धोए चरणामृत लाए और महाप्रभु को उन्होंने पिलाया, पिलाते इनका बुखार सही हो गया। तो यहाँ पर कोई वहां कोई नाम नहीं लिखा हुआ, इसलिए कहते यहाँ पर महाप्रभु शिक्षा देते हैं। कहते महाप्रभु ऐसे लीला क्यों किया है, ऐसे लीला क्यों किया है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं ब्राह्मण, यहाँ पर जो लिया है ब्राह्मण ब्राह्मण होनी चाहिए, ब्राह्मण बता नम ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नम नम। इसलिए बोलते नम ब्रह्मण देवाय, कृष्ण कौन है, कहते ये ब्राह्मण का देवता ये कृष्ण है। ब्राह्मण का पूजा उन्होंने श्री किसका किसका पूजा की, कृष्ण ने उन्होंने सुदामा जी की चरण धोकर के मां स्वयं कृष्ण चरणामृत उनको ग्रहण किया है, है? जिस समय पंच पांडव का यज्ञ हो रहा था, कौन सा यज्ञ है, असंबद्ध यज्ञ राजस्व यज्ञ। इसलिए जिस समय राजस्व यज्ञ हो रहा था कृष्ण ने बोले सब तो बड़ी बड़ी सेवा को सब बांट ली सबके सब, कृष्ण बोले कृष्ण के लिए कुछ सेवा देना पड़ेगा, बोले जो ब्राह्मण आएंगे ना उनका चरण धोना मेरा सेवा है, उनकी चरण धोने का सेवा भगवान स्वयं लिया। इसलिए कहते भगवान
जो चरण ध्वनि का जो सेवा लिया, मतलब कौन सा ब्राह्मण के चरण ध्वनि का? इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्म तत्व ना जानाति ब्रह्म सूत्रेण गर्भिता। ऐसे कुछ ब्राह्मण हैं जिनको ब्रह्म तत्व पता नहीं, केवल एक पैता जनेऊ धारण कर लिया, जनेऊ धारण करके गर्भगधा ब्राह्मण घर में जन्म लिए। बोले नहीं है, बोले जन्म नाम चाहते शूद्र, संस्कारात द्विजुच्यते बेट पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। इसलिए कहते जन्मानाम जायते शूद्र, जन्म से ही सबके सब शूद्र है, हैं? ब्राह्मण भले ही जन्म हो, लेकिन जब जब उपनयन संस्कार नहीं होता है ना, तब तक वो ठाकुर का सेवा पूजा नहीं कर सकता है, ठाकुर सेवा पूजा नहीं कर सकता है। इसलिए संस्कारात द्विज उच्यते, अरे बेट पठेत भवेत विप्र, विप्र कब होगा? जो वो वेद अध्ययन करता है। बोले ब्राह्मण कब बनेगा? बोले ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जब वो ब्रह्म तत्व को समझेगा तब उसको ब्राह्मण कहलाएंगे। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु ने जो उन्होंने ब्राह्मण का चरण धो करके चरणामृत लिया है, कौन सा ब्राह्मण का? जो वैष्णव ब्राह्मण, ये साधारण ब्राह्मण नहीं, केवल केवल जनेऊ पहन करके ब्रह्म तत्व नहीं जान करके जो अभिमान करते हैं भगवान, उसका चरण धूलि महाप्रभु ने नहीं लिए। हाँ, कहते ये एक ये है। और दूसरा है, दूसरा है उसी समय को जो सहजिया लोग थे, कुछ सहजिया लोग क्या करते हैं, कहते अपने आप को वो वैष्णव मानते हैं, लेकिन तत्वतः वो सहजिया लोग है, हैं? लेकिन तत्वतः वो लोग ब्राह्मण, तत्वतः वो लोग वैष्णव नहीं है। इसलिए महाप्रभु दूसरा शिक्षा देते हैं, जो केवल वैष्णव का वेशभूषा ले लिया, वैष्णव का केवल वेशभूषा ले लिया, तिलक कंठी माला, और कहते हैं हम तो वैष्णव है, हम तो वैष्णव है, महाप्रभु उनको भी शिक्षा देते हैं, हैं? उन्होंने वैष्णव का चरणामृत नहीं लेकर के ब्राह्मण का चरणामृत इसीलिए लिया। महाप्रभु शिक्षा देते केवल तिलक कंठी धारण करने से नहीं होगा जब तक हम वैष्णव नहीं बनेंगे। इसलिए बोले वैष्णव बन होते मने छिलो बड़े स्वाद और तृणा तपे सुनिचि सके पड़ी गला बात। कहते वैष्णव बनने के लिए तो मन में बड़ा इच्छा था, हम वैष्णव बनेंगे वैष्णव बनेंगे, लेकिन जब सुना भैया वैष्णव बनने के लिए महाप्रभु क्या कहते हैं, तृणा तपे सुनिचि, तृण से भी ज्यादा दीनी नहीं बना, पेड़ से भी ज्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए, सबको यथा योग्य सम्मान दो, कभी खुद सम्मान की कभी इच्छा मत रखो, तभी वैष्णव बन सकते, नहीं तो वैष्णव नहीं बन सकते हैं। इसलिए महाप्रभु जो वैष्णव को जो ऐसे जो वेशभूषा धारी जो वैष्णव है नहीं, इनकी गर्भ को चूर्ण करने के लिए हैं महाप्रभु ने किया, क्या उन्होंने ब्राह्मण का उन्होंने चरणामृत लिया, और ऐसे ब्राह्मण को लिया जो ब्रह्म तत्व को जो जानते हैं। इसलिए ईश्वर से करे विप्र पादोदक पान, एतान स्वभाव वेदे पुराणे प्रमाण। इसलिए भगवान जो विप्र ब्राह्मण का जो पादोदक ग्रहण किया है, कहते हैं कि ये था स्वभाव वेद पुराणे प्रमाण, कहते वेद पुराण में ये प्रमाण है, ये इनका स्वभाव है। जो ब्राह्मण भगवान क्या करते हैं, ऐसे जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का भगवान चरण धोते हैं, हैं? चरण धोते हैं। वैष्णव ग्रहण महाप्रपाद से अतएव नाम तार भक्त वत्सल अपने हरिया, अपने हरिया बड़ा एन भृत्यवल। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल है। बोले भक्तवत्सल क्यों भगवान? भगवान क्या करते अपने हरिया बाड़ायन भृत्यवल, कहा विश्व ब्रह्मांड का मालिक है और बनकर कर रहे हैं क्या, भक्तों का चरण धुल ले रहे, भक्तों का चरण धुल ले रहे। कहते भगवान की स्वभाव है खुद हार जाते हैं, हार करके भक्तों का जो महिमा को बढ़ाते हैं, क्या क्या महिमा को बढ़ाए, जैसे कृष्ण श्रीराम को साथ में मल्ल युद्ध कर रहे हैं,
मल्ल युद्ध करते 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 श्रीदामा ने कृष्ण को पछाड़ दिया। पछाड़ कर कृष्ण का छाती पर बैठ गया। बोले कन्या तो हार गया, तो कन्या तो हार गया। बोले मैंने कैसे हार गया? बोले तुमने हार हार गया। बोले कैसे? बोले किसका नाक नीचा है बताओ, किसका नाक नीचा है? क्यों कृष्ण ऐसे लेट पड़े हुए ना, उनका नाच ऊंचा है, श्रीदामा का नाच नीचा है। बोले नाक किसका नीचा बताओ, हम कहते हैं तेरा नाक पर नीचा कर देंगे। हाँ, और किसका नाक ऊंचा देखो, इसलिए मैं जीत गया हूँ, तू हार गया हो तो हार गए हो इसलिए। लेकिन कृष्ण हार करके भी भक्तों के पास में कृष्ण जीत करके कृष्ण को आनंद नहीं होता है। कृष्ण अगर हार जाता है भक्तों के पास में, भगवान अपने आप को खुशी मानते, मेरे भक्तों का जयकार मेरे भक्तों को हुआ। राधा रानी को साथ में है, राधा कृष्ण को साथ में मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध होते होते राधा रानी भी कृष्ण को पछाड़ देती है, है? कृष्ण को भी राधा रानी पछाड़ देती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहाँ कृष्ण विश्व ब्रह्मांड का मालिक ही है, जिनका एक इशारा पर सारा दुनिया में सृष्टि सिद्धि प्रलय हो जाता है। लेकिन भगवान हार जाते हैं भक्तों के पास में, और हार करके अपने आप को खुशी मानते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जैसे भीष्म को साथ में भगवान ने क्या प्रतिज्ञा किया था, मैं महाभारत युद्ध में अस्त्रधारण नहीं करूंगा। लेकिन भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा किया था, बोले तब सांत्वन तनु कहा हूं जब हरि से अस्त्र गा हूं, तभी मैं सांत्वन तनु हूं। अगर आपका हाथों से मैंने अस्त्र धारण नहीं करा पाया, मैं सांत्वन का पुत्र है, भगवान भक्त का वाक्य रक्षा करने के लिए भगवान हार गए, वहां पर भगवान हार गए हैं। इसलिए कृष्ण सार बंधन। और मैया जसोदा ने क्या की, जिसका भीतर नहीं जिसका बाहर नहीं, जो अनंत और असीम है, लेकिन मैया जसोदा क्या करती है, भगवान को उकल में बांध देती है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, कहते भगवान का जो स्वभाव है ना, भगवान का स्वभाव है हर समय भक्तों का वशीभूत होना, भक्तों का महिमा को बढ़ाना और खुद हार जाना। इसलिए भगवान यहाँ पर क्या किया, भगवान ने भक्तों का चरण धूली व भक्तों का चरणामृत भगवान स्वयं पान करते हुए भगवान का बुखार सही हो गया, भगवान की बुखार सही हो गया। इसलिए भक्त पद धूलिहार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त तीन यही साधन निर्भर। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं साधन का सबसे बड़ा बल है एक तो भक्तों का चरणामृत, दूसरा भक्तों का अधरामृत, तीसरा भक्तों का चरण धूली। इसलिए आज भगवान अपना भक्तों की महिमा को दिखाने के लिए ठाकुर जी ने भक्तों का उन्होंने चरण धूली चरणामृत को पान करके बोले मेरी बुखार सही हो गई। इसलिए हम भी भव संसार की बुखार, हमें भी संसार का बंधन का बुखार है, हैं माया की बंधन सही कैसे होएगा, बोले तीन चीज को लो, भक्तों का चरण धूली लो, भक्तों का अधरामृत लो, और भक्तों का चरण मृत चरण धूली और उनकी अधरामृत लो। ये तीन चीज से हमारी संसार का बंधन भी हमारी खत्म होगा। भगवान ये चीज को शिक्षा देने के लिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान इस सब के सब लीला ठाकुर ने किया है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म कुंड में स्नान किया, गया तीर्थ को दर्शन किया, दर्शन करते उसको परिक्रमा किया। जब परिक्रमा किया महाप्रभु ने देखा जितने ब्राह्मण लोग वहां पर भगवान की जो चरण चिन्ह है उसको आरती कर रहे हैं और उनकी वंदना भगवान की चरण की महिमा को गा रहे हैं, हैं महिमा को गा रहे थे भगवान की। अभी उसको सुन करके भगवान की चरण की महिमा को सुन करके महाप्रभु का शरीर में अष्टसात्विक भाग पर प्रकट हुआ है, महाप्रभु का आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गया। और ठीक उसी समय में दैववश वहां पर श्री ईश्वरपुरी आए थे, वहां पर ईश्वरपुरी आए थे। इसलिए कहते बोले दैव जोगी ईश्वरपुरी सही क्षणे आई लेन ईश्वर इच्छा ए सही स्थाने। कहते ईश्वरपुरी महाप्रभु का श्री गुरुपाद पद्म भगवत इच्छा से इतने में श्री जब ईश्वरपुरी आए वहां पर ईश्वरपुरी को दर्शन करते हुए महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। दोनों आलिंगन करते हुए आंखों का आंसुओं से दोनों का दोनों हृदय उनको भीग गए। तब महाप्रभु कहते हैं
बोले प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, जत क्षण दिखिला चरण तुमार, तीर्थ पिंड दिले निस्तर पितृगण, सही जारे पिंड दे तारे सही जन, तुमा दर्शन मात्र कोटि पितृगण, सही क्षणे भव बंध पाए विमचन। यहाँ पर महाप्रभु शिक्षा देते हैं, हम लोग भी तीर्थ यात्रा करने के लिए हम भी जाते हैं, है? तीर्थ यात्रा करके कहते कहाँ कहाँ दर्शन, कबले अमुक स्थान पर गए, अमुक स्थान पर खूब गोल गप्पे खाए, जैसे वृंदावन में आते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं वृंदावन दर्शन करने, वाले क्या देखा, है बांके बिहार दर्शन किया और बढ़िया सुंदर टिकिया और लस्सी, हाँ बड़ा सुंदर वहाँ पर लस्सी मिलता है, एक सकुड़ा लस्सी पिया और टिकिया दो तीन खाए और वहाँ पर बड़े सुंदर पकौड़ा भी मिलता है, हैं और दही वड़ा भी बड़े सुंदर मिलता है, गोल गप्पे भी मिलते हैं, खाए और वहाँ वृंदावन हो गया, उनका वृंदावन दर्शन हो गया। यहाँ पर प्रभुपाद, यहाँ पर श्री महाप्रभु शिक्षा देते हैं तीर्थ यात्रा में जा करके जीवन में क्या मिले तभी हमारी तीर्थ यात्रा जाना सार्थकता है, यहाँ पर शिक्षा देते हैं। इसलिए प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, आज हमारी गया आना हमारी जीवन का सार्थकता हो गया। बोले क्यों, जब तक क्षण देख लिया हम चरण तुम्हारे, आज श्री गुरु जी का दर्शन हुआ, आज श्री संत वैष्णव का आज दर्शन हुआ। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जैसे गया में जाने पर क्या होता है, कहते तीर्थ पिंड दिले निस्तर पितृगण, मतलब तीर्थ में जा करके जिस पितृपुरुष को उद्देश्य में हम पिंड देते हैं, उधार किसको होता, उसका ही उधार होता है, है? उधार होता है। सही जारे पिंड दे तारे सही जन, और जिसकी उद्देश्य में पिंड देते उसका ही उधार होता है। लेकिन तुमा दर्शन मात्र कोटि पितृगण, सही खड़े भव बंद पाए विवचन, कहते वैष्णव दर्शन की यहाँ महिमा कह रहे हैं। लेकिन जब जीवन में कोई शुद्ध वैष्णव का दर्शन हो जाए, मतलब उनको दर्शन मात्र से क्या होता है, मतलब एक पितृ नहीं करोड़ों पितृ पुरुषों को उधार हो जाता है। कितना टाइम पर, घंटा पंद्रह हो गया, इसलिए करोड़ों पितृ पुरुषों का उधार हो जाता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं आज हमारी तीर्थाना सार्थकता हो गया, तीर्थाना हमारी हमारा सार्थकता हो गया तीर्थाना, अतएव तीर्थ ना ही तुम्हारे समान। इसलिए तीर्थ को हम भक्तों की दर्शन को साथ में तीर्थों को हम बराबर नहीं कर सकते हैं, तीर्थ से ज्यादा पवित्र वैष्णव है, गंगा में जाकर के स्नान करने से पवित्र होता है, लेकिन वैष्णव का दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। इसी विषय पर प्रभुपाद ने बहुत बहुत कुछ अच्छी अच्छी बात बताई, वैष्णव दर्शन से क्या मिलता है, तब शास्त्र में इतने महिमा और चैतन्य महाप्रभु क्यों वैष्णवों का इतना महिमा गाए, हम इस चीज को कल सुनेंगे। इसी विषय पर प्रभुपाद क्या कहते हैं, ठीक है। वंशा कल उद्रवेश कृपा सिंधु भरी वच पतिता नांग पावने भो वैष्णव भो नमो नमः। हरे कृष्ण महाराज सब कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे राम राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल 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 जय जय राधे कृष्ण गोविंद 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 जय जय राधे गोविंद श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र Hey, hey, hey.
करे दिनो दिनी मानो को Krishna, Krishna, Krishna.
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे hare rama hare rama 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 hare 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 krishna hare krishna hare rama hare rama 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 hare hare प्रवेश भक्ति प्रज्ञा की जय।
नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत दर्शन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। मोहिनी एकादशी की जय। एकादशी पालन करी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंद हरि बोल की जय। देखो कौन कर सकते मैं हटाओ कर सकते। Thank you.